तो हेलो एंड वेलकम ऑल। देखते हैं, हमने पिछली बार हैलोजन डेरिवेटिव्स में कहाँ तक कंप्लीट किया था। वी हैव फिनिश्ड अप टू द आइडिया ऑफ डीहाइड्रोहैलोजनेशन। सेट्जेफ रूल को हमने रिवाइज किया था। मैंने आपको सेट्जेफ रूल पढ़ने का एक अलग तरीका बताया था, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन हियर इन द टेक्स्ट बुक। हियर इट सेज मोर स्टेबल या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रेफर्ड एलिमिनेशन में, प्रोडक्ट में। पर मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हाउ आर यू गोइंग टू जज, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे आप वहां से एलिमिनेट करोगे। ये याद है सबको, हमने क्लियरली किया था बच्चों ये। यस, सो इन द रिएक्शंस वी फिनिश्ड ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। मैंने आपको 11 अलग अलग कैटेगरीज लिख के दी थी, उसके हमने वेरिएशंस भी कर लिए थे सारे। ऑल ऑफ यू हैव रिटन द वेरिएशंस एंड देन वी हैव डन द डीहाइड्रोहैलोजनेशन, दैट वाज द एलिमिनेशन विद अल्कोहलिक KOH, माइंड यू विद अल्कोहलिक KOH, है ना। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या यूज किया था, एक्वस KOH यूज किया था, याद है। अच्छा, मैंने आपको जो रिएक्शंस का एक सेट बताया था उसमें तरीका क्या बताया था याद करने का, याद है ना। रेड मैन, रेड वॉज फॉर रिडक्शन, एम मैन का एम वॉज फॉर मेटल्स, सो दैट इज योर नेक्स्ट कैटेगरी। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 226 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, यू कैन सी द नेक्स्ट कैटेगरी हियर ऑन योर स्क्रीन, दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। नाउ विच एक्टिव मेटल्स आर वी गोइंग टू यूज हियर, वी आर गोइंग टू यूज सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कौन से, सोडियम एंड मैग्नीशियम। कैडमियम भी यूज होता है, कैडमियम भी यूज होता है, कैडमियम को हम लोग आगे के अलग चैप्टर में कवर करेंगे। वहां पर भी ग्रिग्नार्ड ही होता है बेसिकली, कैडमियम वाला फंडा भी, बट यहां पर हमारा फोकस रहेगा सोडियम और मैग्नीशियम के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम एटसेट्रा कंबाइन विद एल्काइल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स, कार्बन मेटल बॉन्ड्स। नाउ व्हेन आई से कार्बन मेटल बॉन्ड हियर, अ वेरी स्पेसिफिक टर्म इज यूज्ड, अ वेरी स्पेसिफिक टर्म इज यूज्ड, द वेरी स्पेसिफिक टर्म दैट इज यूज्ड इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये मैंने आप लोग को सिखाया बच्चों पहले, क्या यूज करते हैं हम लोग वर्ड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। क्या होता है इसमें, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, ठीक है। इसका अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था, हमने किया हुआ है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या किया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद नहीं है तो करेंगे आज डिटेल में वापस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, हाईली रिएक्टिव, बहुत अच्छा कंपाउंड जो इंटरमीडिएट की तरह काम करता है या स्टार्टिंग रिएजेंट की तरह काम करता है इन मेकिंग मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आज का हमारा मेजर फोकस रहेगा ग्रिग्नार्ड और वर्ड्स, ये जो दो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड और वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वन विल सी इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ होने वाला है, यहां पर किसके साथ हो रहा है, एल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम एक्टिव मेटल्स का रिएक्शन करें, किसका रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, यहां पे अपन किसका रिएक्शन कर रहे हैं, एक्टिव मेटल्स का, तब आप जो मीडियम यूज करोगे, एरो पे आप ध्यान से देख लेना, आप जो मीडियम यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, हमेशा देख सकते हो हर जगह आप क्या लिखा हुआ मिलेगा, ड्राई ईथर, क्या मिलेगा मीडियम, ड्राई ईथर। कोई सोच सकता है ऐसा क्यों है, हम लोग ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, सोचने वाली बात है, हम लोग ड्राई ईथर एज अ मीडियम क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे। तो ड्राई ईथर का रोल बड़ा सिंपल है बच्चों, यहां पर ड्राई ईथर का रोल क्या है कि ईथर जो है ना वो ऑलमोस्ट इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या है, ड्राई का मतलब भाई लैक ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक्टिव मेटल्स अगर मैं रखूंगा तो ये पानी के साथ बहुत धड़ाम करके रिएक्ट करते हैं, आपको पता ही है सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो आप, तो क्यों नहीं करते नॉर्मल जगह पे स्टोर सोडियम को, क्योंकि वो हवा के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, बरोबर बोल रहा हूँ, है ना। और ईथर जो है वो क्या करता है, ईथर, ईथर प्रोवाइड्स रिलेटिवली इनर्ट, कंप्लीटली इनर्ट नहीं बट एटलीस्ट रिलेटिवली इनर्ट
रिएक्शन मीडियम। तो पानी में नॉर्मली सॉल्यूशन अपन बनाते थे, यहाँ पर ड्राई चाहिए और इथर चाहिए, तो यहाँ पर रिएक्शन मीडियम जो आपका रिलेटिवली इनर्ट है, यानी कि आपको जो रिएजेंट चाहिए वही आपस में रिएक्ट करेंगे, आपका ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं चालू हो जाएगा। लॉजिकल है बात बच्चों? यस ओके। चलो तो यहाँ देखते हैं जरा, एल्काइल हैलाइड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट इट गिव्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एंड दिस एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ऐसे क्यों आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? तो आप क्या बोलेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज RMGX। क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट? क्या है? RMGX, यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। विक्टर ग्रिगनार्ड नाम के बहुत ही फेमस केमिस्ट थे, वेरी वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इतना पॉपुलर है, इतना इंपॉर्टेंट है, हर रिएक्शन हर चैप्टर में घुस जाता है ये। इसका मैंने प्यार से नाम रखा हुआ है ग्रिगू, ये हमारा ग्रिगू है, ये हर जगह आएगा, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है, आगे हर रिएक्शन में आने वाला है, ये हर जगह आने वाला है, इतना याद रखना ठीक है। तो जब मैं बोलूँ ग्रिगू तो आप समझ जाना कि हम लोग किसकी बात करें, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें बच्चों। विक्टर ग्रिगनार्ड साइंटिस्ट का नाम भी याद रख लेना ठीक है। क्या है आपको मैं पूछूंगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे आप सीधा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मतलब RMGX, इतना ही जवाब आना चाहिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मतलब क्या बोलेंगे, रिपीट RMGX, यानी कि R ग्रुप डायरेक्टली MG से बॉन्डेड है, ऐसा बोल सकता हूँ। तो ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जाम्पल हो गया ग्रिगनार्ड, करेक्ट। क्यों यूनिक है ये यूनिक क्यों है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझेगा यूनिक क्यों है, क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ठीक है, और मैग्नीशियम और हैलोजन का जो बॉन्ड है, इसमें फर्क है। कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड कोवेलेंट है पर पोलर है, और मैग्नीशियम और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो तो आयोनिक हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटल स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, ये तो आयोनिक कैरेक्टर हो गया ना इस बॉन्ड में। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर दोनों देखने मिलता है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनके अंदर यूनिक यानी कि कोवेलेंट और आयोनिक का दोनों का कैरेक्टर भी आपको दिखता है, पोलैरिटी भी बहुत अच्छी दिखती है। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो इनके MCQ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, ऑब्वियसली दे रिएक्ट विद वाटर, इसलिए ड्राई ईथर, समझा ना? जो प्रोडक्ट है वो भी, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपने बनाया वो वाटर के साथ विगरेसली रिएक्ट कर लेता है, और क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है ठीक है। दे रिएक्ट विद वाटर और विद एनी अदर कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन रहेगा ना, HX या हाइड्रोजन वाला कोई भी आपके पास कंपाउंड है, तो ग्रिगनार्ड उसके साथ फटाक से रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है। ग्रिगनार्ड क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। ये रिएक्शन मैं आपको अभी लिख के समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। फंडा पहले समझ लेना, फंडा क्या था कि भाई RX प्लस MG, द रिएक्शन इज वेरी सिंपल, रिएक्शन में कुछ नहीं है, जो प्रोडक्ट बना उसकी पूरी, उसका ही पूरा गेम है। रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, रिएक्शन क्या बोलता है देखो, रिएक्शन बोलता है कि RX यानी कि एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे हेडिंग क्या आएगी अपनी, रिएक्शन विद मेटल्स, बरोबर। रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें नंबर 1 RX प्लस MG गिविंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना। एग्जाम्पल के साथ लिखे बच्चों, ठीक है एग्जाम्पल लिख लो। ये किस में होता है, ड्राई ईथर में होता है ना, हमेशा ये भूलना मत, ड्राई ईथर। ग्रिगनार्ड का कोई भी रिएक्शन करो एरो पे क्या लिख देंगे आंख बंद करके, ड्राई ईथर। एग्जाम्पल देख लो,
सपोज आपके पास CH3Br है प्लस मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सबको पता है, मैंने एस ब्लॉक पढ़ा है आपको, ड्राई ईथर क्या बनेगा, CH3MgBr, नाम क्या होगा बताओ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, करेक्ट है, नाम देख लो। एक और एग्जांपल देखते हैं, C6H5Cl+Mg, एरो पे ट्राई ईथर, C6H5MgBr क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम, सॉरी नॉट बी आर, क्लोरीन था ना, क्लोरीन था, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ये बात क्लियर है। और एक एग्जांपल करते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए, सपोज मेरे पास साइक्लोब्यूटेन और यहां पर आयोडीन लगा हुआ है, क्या लगा है, साइक्लोब्यूटेन है, आयोडीन लगा हुआ है, मतलब इससे आसान रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता यार, क्या करना है, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या घुसा देना है, एमजी, मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाऊं आपको उससे घूमना नहीं है, उससे टेंशन नहीं लेना है, भले मैं यहां पर साइक्लिक बना दूं, बेंजीन रिंग बना दूं, डबल रिंग बना दूं, कुछ भी बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है, क्या करेंगे यहां पर एमजी आई, क्लियर, नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इजी, कोई चिंता नहीं, ये जो भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट जो बने, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है सारे के सारे, स्पेसिफिक नाम उनका आप लिखते हो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के हिसाब से, तो ये सारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव हैं और इनकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोकार्बन बनाने की, व्हेन दे रिएक्ट विद एनीथिंग दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्या बोला मैंने, अच्छा तो आपको अभी तक जो मैंने तीन रिएक्शन लिखे वो किस चीज के थे ये समझ में आए, ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड थे ठीक है, पर ये रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम करके क्या बनाया हमने, ग्रिगनार्ड रिएक्शन बनाया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक स्टेप आगे है, यानी रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड, समझ में आई बात, रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएक्शन, क्या ये समझा सबको, नाउ रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड ideally is more of a concept that they will ask you in your MCQs and all, matlab isse related question puchenge, nobody is going to ask you a short note on write all the reactions of Grignard, that's not going to happen, that's never going to happen, right, but I'm giving you these examples so that you understand ki Grignard ka reaction kis tarike se hota hai, because jaisa maine kaha aage har chapter mein har jagah Grignard aane hi wala hai, theek hai, dhyan se dekhna, pehla reaction likhta hu, suppose mere paas CH3 MgI है और ये रिएक्ट कर रहा है HOH यानी कि वाटर के साथ, क्लियर हुई बात, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, क्या ये ड्राई ईथर में होगा, ऑब्वियसली क्या ये ड्राई ईथर में होगा, अरे जब वाटर डाल दिया तो ये ड्राई कैसे रहेगा, सी इधर वाटर डाल दिया तो ड्राई कैसे रहेगा भाई, है ना, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या वाटर में हाइड्रोजन है, यस yes. तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो भी आर ग्रुप आपके पास था, ग्रिगनार्ड का जो आर ग्रुप था, दैट विल इमीडिएटली टेक अप हाइड्रोजन एंड बिकम हाइड्रोकार्बन, तो CH3 और H क्या बना, CH4, बचा क्या बच्चों, MgIOH, यस ओ नो,
Mg मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है ना, OH माइनस होता है, I माइनस होता है, क्लियर, स्टेबल बना, बोलो हाँ कि ना। अब ये फंडा आप अपने दिमाग में बिठा लेना, आपका जो बाय प्रोडक्ट है ना वो MgIOH यानी कि MgXOH ही बनने वाला है। क्या बनने वाला है? MgXOH ही आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो बस जो भी बचा ना, बच गया, उसको आप ऐड करके लिख दो, आपका प्रोडक्ट आ गया। एक और एग्जांपल देता हूं, खुद ट्राई करके देखो। ये क्या है? बेंजीन रिंग। MgI इसका रिएक्शन किया HOCH3 के साथ। क्या किया? HOCH3 के साथ रिएक्शन किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? What is HOCH3 by the way? CH3OH which is methanol, which is methyl alcohol, methanol है ना। What will happen? चेक, खुद से सोचो, ट्राई करो। बेंजीन का ये जो पूरा रिंग था, इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये यानी कि हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोकार्बन बनेगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा भैया? C6H6 बेंजीन, यस। और बचा क्या? MgI और नेगेटिव पार्ट क्या बचा? OCH3, बोलो हाँ कि ना। ये पहुंचा ना OCH3, ये वाला पार्ट। बस इतना ही आपने देखना है। ग्रिगनार्ड के रिएक्शन बिकम्स वेरी वेरी इजी, यस। आगे ये बहुत काम आने वाला है, इसलिए फंडे को याद रखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोरीन, थोड़ा सा चेंज के लिए यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। तो स्पेसिंग कर देते हैं ढंग से, बेटर, राइट। दिस वन मोर सिंपल वन, C2H5 MgBr प्लस सी, दे हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ अमोनिया आल्सो। चलो ठीक है, अमोनिया करके देखते हैं। अमोनिया में भी हाइड्रोजन है, बोलो हाँ कि ना। HNH2, यस बच्चों, क्या बनने वाला है बताओ? C2H6, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन ऐड करो ना, तो क्या आएगा? C2H6 और प्लस MgCl और NH2, करेक्ट। MgCl प्लस NH2, कैसे किया? ये हाइड्रोजन इसको दिया और जो बचा हुआ NH2 है वो इसको दिया, बोलो इतना इजी, हाँ कि ना। हाँ, क्लोरीन की जगह यहाँ पे सॉरी क्या था? ब्रोमीन था। नेम्स आर वेरी इजी, फॉर्मूला आर द रिएक्शन आर वेरी इजी ऑफ ग्रिगनार्ड। ग्रिगनार्ड हाईली रिएक्टिव, बहुत जगह यूज होता है। ग्रिगनार्ड के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग एक दो पॉइंट है जो आपको MCQ में जरूर पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वैसे तो, कि कार्बन मैग्नीशियम जो बॉन्ड है ये पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा है? पोलार कोवेलेंट बॉन्ड है। और मैग्नीशियम और एक्स का बॉन्ड कैसा है? वो ऑब्वियसली आयोनिक है, हमको पता ही है ना। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड ऑब्वियसली कैसा है? आयोनिक है, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है, क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है उसमें नेगेटिव पोलैरिटी होती है। और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, पिछली बार बताया था बच्चों, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल है ना। तो यहां पर कार्बन पे नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ऑब्वियसली कार्बन जो है उसका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। विक्टर ग्रिगनार्ड भाई साहब को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग प्रोडक्ट फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रिगनार्ड रिएक्शन क्लियर। नेक्स्ट है हमारा वर्ट्स रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है एल्केन्स के प्रेपरेशन में, क्लास 11 में डिटेल में किया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर
टू फॉर्म हायर एल्केन्स डबल द कार्बन नंबर इन द एल्काइल हैलाइड, मतलब कि कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतना लिखने का। दिस इज कॉल्ड वर्ट्स रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड वर्ट्स रिएक्शन। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स इज यूज्ड, ऑल थ्री पॉसिबल एल्केन्स आर फॉर्म्ड। यानी कि वर्ट्स रिएक्शन में जब भी आप दो एल्काइल हैलाइड्स अलग अलग मिक्सचर यूज करोगे तो मल्टीपल एल्केन्स यानी मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनेगा बच्चों, ठीक है। तो वर्ट्स रिएक्शन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वर्ट्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन ऑफ व्हाट विद सोडियम, किसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम का, सोडियम के साथ बोलो किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन से कंपाउंड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग? तो रिएक्शन ऑफ आर एक्स विद सोडियम रिएक्शन, मैंने क्यों स्पेसिफिकली ऐसा जगह बना के लिखा, क्योंकि सोडियम के साथ अगर आर एक्स का रिएक्शन है तो उसको वर्ड्स बोलने का, अगर ए आर एक्स का रिएक्शन है तो उसका नाम अलग है भाई, आगे आएगा एरोमेटिक वाले का नाम अलग है। तो इसलिए ये स्पेसिफिकली किसके लिए, ये एल्काइल हैलाइड के लिए। क्या ये बात समझ में आई? स्पेसिफिकली जब एल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो वर्ड्स रिएक्शन। अब वर्ड्स रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगेन वर्ड्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके बोर्ड्स में। एक तो आपको या तो वो सीधा बोल देगा राइट अ नोट ऑन वर्ड्स, ठीक है वो तो ईजी है, या तो वो आपको रिएक्शन में घुमा के उसका एप्लीकेशन पूछेगा, जो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार, स्पेशली इन MCQs और वेन कम्स टू राइटिंग दोज ABC वाला कन्वर्जन रिएक्शन। तो जरा हम लोग इसको फोकस करके पढ़ते हैं। पहली चीज इसमें आपको क्या सोचनी है और समझनी है, देखो इसके बारे में जरा पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पहली चीज इसमें ये नोट डाउन करनी है कि कार्बन नंबर यूजुअली बिकम्स डबल, कार्बन नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी कि RX का जो ग्रुप जो था, R ग्रुप जो था, बिकम्स डबल, क्लियर है, डबल हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात बिकॉज ये डबल हो रहा है तो सब जो आपने ऑड नंबर वाले एल्काइल हैलाइड से चालू किया था, क्या ऑड नंबर वाले, तो ऑड का डबल क्या होता है, इवन होता है। तीन कार्बन से चालू किया 6 हो जाएगा, 5 से चालू किया 10 हो जाएगा, है ना। और इवन का डबल भी इवन होता है कि नहीं। तो कैन आई से अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर बिकम्स, दिस method or this reaction will be preferred for making pure alkanes. When I say pure alkane मतलब not mixtures, not mixture, when I say pure मतलब not mixtures, not a mixture of alkanes, pure alkanes with even number or odd number, even number of carbon atoms. क्यों? अभी प्रूव किया ना, आप odd से चालू करो तो भी product even मिलेगा, और even से चालू करो तो भी product क्या मिलेगा, even मिलेगा। ये भी क्लियर है, यहां तक everybody क्लियर? कोई डाउट? दो पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, if a mixture of alkyl halides is used, if a mixture of alkyl halides is used, yani if two different alkyl halides are used basically, then products formed are also a mixture of hydrocarbons या mixture of alkanes, clear?
अगर रिएजेंट्स आप मिक्सचर लोगे तो प्रोडक्ट भी मिक्सचर में मिलेंगे. इज इट डिजायरेबल? इज इट डिजायरेबल? इट इज ऑब्वियसली नॉट. पूछो क्यों. इज इट गुड? नो. व्हाई? दिस इज नॉट यूज्ड जनरली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग द एल्केन्स. यस ऑर नो? यस. चलो, इस तरह से देखा हमने, पेज ऐड करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, हर एक के हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि क्लैरिटी रहे लाइफ. ठीक है, जैसे कि आपने CH3 एक्स ले लिया. एक्स कुछ भी हो सकता है, BR, CLI, फ्लोरीन नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता. सबसे अच्छा रिएक्टिविटी कब मिलेगा? CH3I रहेगा तब, या CL रहेगा तब, या BR रहेगा तब? पिछली बार भी कराया था ये. रिएक्टिविटी RI की, RBR की, RCL की, RF की कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है? पिछली बार भी कराया था. RI हमेशा सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि R और I की बॉन्ड लेंथ सबसे दूर दूर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्ट करेगा. करेक्ट? ठीक है. अभी दो मोल इसका आपने लिया. अब दो मोल लेने का फंडा मैं जरा आपको अपने तरीके से समझाता हूँ कैसे लिखना है आपको, और एग्जाम में भी आप कोशिश करना कि आप ऐसे ही लिखो ताकि और इजी लगे आपको. मैंने 11th में भी आपको ऐसे ही सिखाया था बच्चों. 11th में हमने एल्केन्स में ही किया हुआ है बाय द वे, जिनको याद है तो अच्छी बात है. BR, 2Na, BR. तो ये पूरा फंडा एक निकल जाएगा यहाँ पे, ये पूरा प्रोडक्ट, दो मोल NaBr. बोलो हाँ कि ना. क्या बचा? CH3 विद CH3, दोनों को साथ में जोड़ दो, है कि नहीं? एरो पे क्या आएगा? ऑब्वियसली ट्राई था, ये तो आया ना, फिक्स है ये. CH3 क्या बना? हाइड्रोकार्बन. डबल नंबर कार्बन बना, यस. इवन नंबर बन गया, यस. बाय प्रोडक्ट क्या है? 2NaBr. ये सबके बुद्धि में गया, भेजे में गया, बोलो हाँ कि ना. देन यू हैव C2H5Cl. सेम तरीके से आप लिखो, चलो फटाफट खुद से लिख के ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आपका. मैं एक अकेला अल्काइल हैलाइड यूज कर रहा हूं तो मेरे को एक अकेला हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, चेक कर लो. ये भी सेम अल्काइल हैलाइड के दो मोल यूज कर रहा हूं ना मैं, मिक्सचर तो यूज नहीं कर रहा. तो मेरे को क्या मिल रहा है? C2H5, यस, प्लस NaCl. कैसे दिखेगा ये? ऐसे दिखेगा. इस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करना, जब थियोरी में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन और ज्यादा सही से मार्क्स आपको मिलेंगे. इस तरह 3 C6H5I प्लस, नहीं मैंने क्या बोला, एरोमेटिक के लिए नहीं है, सिर्फ एलिफैटिक के लिए ना, भूल गया. हाँ, वो एरोमेटिक के लिए फिटिक लिखेंगे अपन अलग से, तो ये सिर्फ इसके लिए. तीसरा देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया, आप सब ने ये देखा हुआ भी है, खास करके CET स्टूडेंट्स ने जरूर देखा ये क्वेश्चन, मैनी टाइम्स दिस हैज कम. Yes. क्या बनेगा यहां पे? ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो गड़बड़ कर दोगे. क्या बन रहा है देखो,
CH3 और एज इट इज उसका कार्बन कॉपी दूसरे साइड पे चेक करो, दिख रहा है सबको CH3 CH CH3 CH CH CH3, ये दोनों मैंने एज इट इज लगा दिया और दोनों को जोड़ दिया, बस डबल ही तो करना था और क्या करना है। यस और नो? इजी। अच्छा नोट द नेम्स फटाफट, चलो ये तो मिथाइल तो पता ही है ना, मिथाइल ब्रोमाइड इजी, ये प्रोपाइल सॉरी इथाइल ब्रोमाइड ये भी इजी, इथाइल क्लोराइड दिस वन इज स्लाइटली ट्रिकी फॉर अदर पीपल फॉर लाइक फॉर सम पीपल। द प्रोडक्ट नेम विल बी 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चेक लॉन्गेस्ट चेन IUPAC, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। यस सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल, थर्ड पोजिशन पे मिथाइल, है कि नहीं बच्चों? ये जो मैंने रिएजेंट लिया था इसका नाम क्या था जिससे चालू किया था? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इज एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? ये वर्ड्स रिएक्शन हुआ, यहां पर मैंने एक तरीके का रिएजेंट लिया था। अब जरा एक मिक्सचर लेके देखूं, CH3I प्लस 2Na प्लस IC2H5, दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड लिए, बोलो हाँ कि ना? टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, तो कौन सा वाला लॉजिक लगाएंगे हम लोग, कौन सा लाइन इसमें से लगेगा बताओ? पॉइंट नंबर 3, यस दो एल्काइल हैलाइड लिया हमने अलग अलग, क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पर ये वाला फंडा चलेगा क्या बताओ? ऐसा चल जाएगा? हाँ नो? जब आपको दिखे कि मिक्सचर है एल्काइल हैलाइड्स का तो आपको क्या फंडा लगाना है, ध्यान से देखना। पहला वाला एल्काइल हैलाइड डबल होगा, यानी कि CH3 का डबल क्या बना? C2H6, बोलो हाँ कि ना? ये CH3 का डबल क्या बना? C2H6, बोलो यस और नो? सेकंड, इसका भी डबल होगा, क्या बनेगा? C2H5 का डबल बच्चों, C4H10, यानी कि ब्यूटेन। और तीसरा दोनों का कॉम्बो बनेगा CH3 C2H5, क्या ये बात सही हुई? यानी कि प्रोपेन। क्लियर यस और नो? और उसके अलावा बाय प्रोडक्ट में अपने पास जो भी है 2NaI बच जाएगा। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग MCQ क्वेश्चन, वेरी पॉपुलरली आस्क्ड ओवर द इयर्स इन योर CET एग्जाम, इतनी बार पूछ चुके हैं, पब्लिक कंटाल गई है। वो पूछता है व्हेन मिथाइल हैलाइड एंड इथाइल हैलाइड आर यूज्ड इन अ रिएक्शन विद सोडियम, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? अगर मैंने इथाइल और मिथाइल हैलाइड लिया तो मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट मिले यहां पर? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या ऑल ऑफ द अबव? क्या मिला बच्चों? ऑल ऑफ द अबव ऑब्वियसली, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वर्ड्स का बच्चों, बहुत इजी है ना। चलो तो ये हो गया हमारे रिएक्शन विद मेटल्स के फंडे। क्या इससे हम लोग ऑड नंबर वाला बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, लेकिन क्या वो प्योर मिलेगा? नहीं, इट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ अ मिक्सचर। यस एंड इज इट इजी टू सेपरेट द मिक्सचर? नो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो वर्ड्स में तो ये आपको बुद्धि में आपके चला गया कि अच्छा रिएक्शन ऑफ RX विद NA, जिसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं, पर इसमें कैच है। 2 का ये 1 रख लो, 2 का 2 देखते हैं, मतलब अभी भी मैं सोडियम का ही रिएक्शन दिखा रहा हूं, पर अब किसके साथ दिखा रहा हूं? देखो रिएक्शन ऑफ ARX विद NA, यानी कि किसका रिएक्शन है? एराइल हैलाइड का, पहले किसका था? एल्काइल हैलाइड का। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये किसका है? एराइल हैलाइड, यानी कि हैलोबेंजीन
किसका रिएक्शन है? हेलोबेंजीन। अब इसको हम लोग एक नए नेम नाम से जानते हैं, जैसे इसका नाम हमने वर्ड्स रखा था ना, इसका नाम हमारे लिए था वर्ड्स रिएक्शन। बहुत लोग इसको वुड्स वुड्स बोलते हैं, घोचू लोग वुड्स क्यों बोलते पता नहीं, बट वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है, वुड्स नहीं बोलना है आपने। और यहां पर है दूसरा फिटिग रिएक्शन, क्या नाम है, ये भी नेम रिएक्शन, इसका नाम क्या है बच्चों, बोलो, फिटिंग, फिटिंग नहीं। 99.9% बच्चे स्क्रीन पे देखते हैं, पहली बार सुनते हैं, क्या सर रिएक्शन कौन सा, फिटिंग, कान के नीचे मारूंगा, फिटिंग नहीं है, फिटिग है, फिटिग पढ़ो, एन नहीं है उसमें, दिख रहा है सबको, जूम करके दिखाऊं, ये देख जूम करके देख, नहीं है, एन नहीं है, ठीक है, इससे बड़ा बड़ा नहीं होता ये स्क्रीन, है ना, एन नहीं है, फिटिग रिएक्शन है, फिटिग। वो मनोज वाजपेयी का मीम आता है ना, सब आंख खुलता है, देख देख देख, गैंग्स ऑफ वासेपुर में वैसा ही, देखो ध्यान से, फिटिंग है। खैर, तो एआरएक्स का रिएक्शन एनए के साथ करना है। अब बोलोगे सर अल्काइल हैलाइड करते करते आप अराइल हैलाइड पे जंप क्यों मारे, क्योंकि सोडियम का ही रिएक्शन है, पूरा ओवरऑल सेम है, साथ में पढ़ने में ज्यादा आसानी से याद रहता है, इसलिए जंप मारा। देखो ध्यान से क्या करना है, एग्जाम्पल ले लो भैया, एक ही एग्जाम्पल आएगा ना, C6H5I plus 2NA plus I C6H5, क्लियर। क्या किया, हैलो बेंजीन, आयोडो बेंजीन लिया 2 मोल, रिएक्ट करा सोडियम के साथ, ये सुनो, एरो पे क्या आएगा बताओ, ट्राई कर, ये भूलना नहीं है। क्या बनने वाला है, 2NAI, ये तो सबको मालूम है, और बनेगा क्या यहां पे प्रोडक्ट, C6H5, यस, यानी कि इस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा प्रोडक्ट का, बोलो हाँ कि ना, C6H5 साथ में जुड़ गए, यस ओ नो, 2 बेंजीनिक साथ में जुड़ गए, प्लीज डू नॉट राइट दिस एज नैफ्थेलीन, आई हैव सीन इडियट्स राइटिंग दिस एज नैफ्थेलीन, हाउ इज दिस नैफ्थेलीन, व्हाट इज नैफ्थेलीन, नैफ्थेलीन इज वेयर द 2 कार्बन एटम्स ऑफ द 2 बेंजीनिक्स आर कॉमन, Yes, ऐसा होता है ना नैफ्थेलीन, इसमें फर्क नहीं दिख रहा है, ये कैसा जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन यहां है, ये देखो कॉमन एक ही है ना, इधर से जुड़ा हुआ है, और इधर कितने हैं, 2 कॉमन है, फर्क समझ में आ रहा है, कुछ गधे इसको भी नैफ्थेलीन लिख के आते, इसका असली नाम क्या है, इसका नाम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बाय फिनाइल, यू नो वॉट आई कॉल इट, Guess what do I call it? I call it चश्मा. For me, फिटिंग reaction is चश्मा reaction. दिख रहा है तुमको चश्मा, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना? तो केमिकली द नेम इज बायफिनाइल, बट जैसे मैंने विलियमसन्स का नाम रोना रिएक्शन रखा है पिछले सेशन में बताया था, यहां पर इसका नाम है बायफिनाइल, मैं इसको बुलाता हूँ चश्मा रिएक्शन, ऐसे याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों, फिटिंग क्या है, बायफिनाइल बनता है, चश्मा बनता है, क्या ये बात क्लियर है? सपोज मैं बेंजाइल ले लेता, सपोज मैं बेंजाइल ले लेता, तो उसको आप वर्ड्स बोलते कि फिटिंग बोलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते कितने लोगों को आता है, सपोज मैं क्या लेता, बेंजाइल, अभी अगर बेंजाइल नहीं पता तो चुल्लू भर सॉल्यूशन बनाओ अल्काइल हैलाइड का और उसमें डूब मरो,
पिछली बार बताया था बेंजाइल क्या होता है। बेंजाइल CH2X, है ना, बेंजीन रिंग, फिर एक नॉर्मल कार्बन sp3 वाला, फिर उस पर फंक्शनल ग्रुप, इसको बेंजाइल बोलते हैं। यस और नो? बेंजीन रिंग CH2 विद फंक्शनल ग्रुप, दैट इज बेंजाइल। ठीक है, पता होना चाहिए। अगर ये बेंजाइल है मेरे पास और इसका समझो आप इसका रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना, चलो किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, और सोडियम के साथ में आपने इसका रिएक्शन करा दिया। मेरा सवाल आपसे सिंपल है, इसको मैं वर्ड्स में लिखूं कि फिटिंग में लिखूं? तो पहली बात तो ये कि ये वर्ड्स में आएगा, ये फिटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऐसे बस पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ पे आने वाला है, ऑब्वियसली ये वर्ड्स में आएगा, फिटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये NaX निकल गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, C6H5 CH2 CH2 C6H5, बोलो हाँ कि ना। CH2 CH2 आपस में जुड़ेंगे, C6H5 दोनों साइड्स पे रहेंगे। यस, एवरीबडी अग्रीज? यस और नो बच्चों? यस, बट प्लीज रिमेंबर कि ये वाला फिटिंग में नहीं आएगा। तीसरी भी एक कैटेगरी है इसमें, तीसरी भी एक कैटेगरी और जो बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, वेयर वाई कांट आई हैव अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड? कैन यू थिंक ऑफ दैट? यस, कैन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड? रिएक्शन ऑफ, देखो, या तो दो RX लिया था वर्ड्स में, यहां पे दो ARX लिया फिटिंग में, एवरीबडी अग्रीज? तो ऐसा भी तो कर सकता हूं, एक RX एक ARX, है कि नहीं बच्चों? तो रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ RX एंड ARX विद सोडियम, क्या ये समझा? पहले सिर्फ RX का रिएक्शन विद सोडियम किया, बोलो हाँ कि ना, फिर ARX का रिएक्शन विद सोडियम किया, बोलो हाँ कि ना, अभी दोनों को कंबाइन करके रिएक्शन विद सोडियम कर रहा हूं। यस, अच्छा, सिर्फ RX का रिएक्शन किया था तो उसको क्या बोला था? वर्ड्स। सिर्फ ARX का रिएक्शन किया तो उसको क्या बोला था? फिटिंग। तो समझदार लोगों ये बताओ कि दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलूंगा? वर्ड्स फिटिंग, समझे स्मार्ट बच्चे, वेरी गुड। क्या है? वर्ड्स फिटिंग, सीधी बात है। तो तुमको वो वर्ड्स पूछ सकता है, फिटिंग पूछ सकता है, वर्ड्स फिटिंग पूछ सकता है, तीनों इजी है। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल कर लेंगे, तपाक से एकदम। चल, कौन सा एल्काइल हैलाइड लें? ऐसा ले लेते, CH3 CH CH3 और BR, ऐसा ले लिया, दो सोडियम और BR किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। क्या ये एरोमेटिक रहेगा? क्या एरोमेटिक रहेगा बच्चों? क्योंकि यहां पे ब्रोमीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना बेंजीन रिंग से, बोलो हाँ कि ना। यस, क्या होने वाला है यहां पे?
ये निकल गया, तो क्या बना बताओ? ट्राइथर में क्या बना, बोलो 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 बोलो। CH3 joined to this structure. Clear? बोलो हाँ कि नहीं। इसका नाम क्या हुआ? ये इजी है, इसका नाम क्या होगा? सोचो ये ग्रुप क्या है, CH3CH CH3। ये रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ ऐसे ऐसे आना चाहिए, CH3CH CH3। मतलब आइसोप्रोपाइल, वेरी गुड, आइसोप्रोपाइल, और साथ में क्या है, आइसोप्रोपाइल साथ में क्या है, बेंजीन। क्या ये एल्काइल बेंजीन बना? बोलो हाँ कि ना। बाय द वे इसका मोर पॉपुलर नाम क्या है, ये मैंने आपको क्लास 11 में लिखवा के दिया था, एक पूरा शीट दिया था जहां पे बोला था कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनके आपको पॉपुलर नेम्स, यूनिवर्सल नेम्स याद करने, उसमें से एक था ये। क्या नाम था इसका? क्यूमीन। क्या नाम था? क्यूमीन। जैसे बेंजीन विद CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन तो नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? टोलुइन। सबको मालूम है बेंजीन रिंग में जब मिथाइल ग्रुप लगा होता है बच्चों, तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलते हो क्या आप? नहीं, क्या बोलते हो? टोलुइन। क्यों? क्योंकि टोलुइन उसका पुराना यूनिवर्सल नेम है, पॉपुलर नेम है। यस और नो? ठीक है, इसी तरह आइसोप्रोपाइल बेंजीन का पुराना पॉपुलर नेम क्या है? क्यूमीन। क्या है? सबके भेज में गया, आगे बहुत काम आने वाला है, याद रख लेना। तो वर्ड्स की सारी वेरिएशन करा दी मैंने आपको, वर्ड्स फिटिंग। यस, मेटल्स के साथ रिएक्शंस खत्म, डन। कोई डाउट पूछ लो। तो मैंने आप लोगों को अभी जो बताया वो था वर्ड्स फिटिंग, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ट्राइथर कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन एंड वॉज कैरिड आउट बाय मिस्टर फिटिंग। ये रिएक्शन से क्या बनता है? एल्काइलेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बन जाता है। क्या हो सकता है? एल्काइलेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने आपको एक और अच्छा एग्जांपल दिया, ब्रोमोबेंजीन से टोलुइन बनाने के लिए, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड आप यूज कर। इनकेस ओनली एराइल हैलाइड लिया तो सारे मैंने करा दिए ना आपको, तो बाईफिनाइल बनता है, ये जिसको मैंने चश्मा बोला था, याद है बच्चों? तो उसको क्या बोला मैंने? फिटिंग। यस, तो वर्ड्स ओनली फॉर एल्काइल, अगर एल्काइल विद सोडियम है तो वर्ड्स, एराइल विद सोडियम है तो फिटिंग, एल्काइल और एराइल दोनों विद सोडियम है तो वर्ड्स फिटिंग। क्लियर होगी बात? अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोरीन्स, उस पे आऊंगा मैं, चलो ठीक है, आई कम टू दैट। आई थिंक अच्छा, दे हैव डायरेक्टली गिवन, सो दे हैव नॉट गिवन रिडक्शन। एनीवे, वी हैव डन रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टू फॉर्म एल्केन इन क्लास 11, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर दिस 12th का चैप्टर, इट्स ओके, विल नॉट डू दैट। हमने 11th में किया हुआ है, अगर अभी भी किसी को उसके बारे में भी डाउट रहेगा तो एल्केन चैप्टर का वीडियो है, वो मैं डाल दूंगा, वो एक बार देख लेना। उसमें हमने किया है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म एल्केन। ठीक है, अब जरा आ जाते हैं यूजेस पे फटाफट। हाँ, यूजेस हैलोजन कंपाउंड्स के यूजेस कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं आपका पूरा हैलो अरेंज कराऊंगा स्टार्ट से, जैसे इसका किया ना, MOPs कर लिए और फिर सारे प्रॉपर्टीज और सारे रिएक्शंस किए, किसके? एल्काइल हैलाइड्स के। वैसे हैलो अरेंज के MOPs, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस ऐसे करेंगे। टेक्स्ट बुक में ना पूरा मिक्स दिया है, MOPs RX फिर ARX का, फिर केमिकल रिएक्शन RX फिर ARX का, तो थोड़ा खिचड़ी हो जाता है, थोड़ा मिक्स होता है, कन्फ्यूजन होता है। अपन सेपरेटली करेंगे, एल्काइल हैलाइड्स पूरा कर लिया, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, रिएक्शंस आज खत्म हो गए, यूजेस भी कर लेते हैं, तो दैट वन एल्काइल हैलाइड का पार्ट इज डन। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट। यस, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन एराइल हैलाइड्स करेंगे सेम तरीके से, MOPs, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन, है ना? चलो फटाफट देखते हैं।
यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स. ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके बोर्ड यानी कि थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन एमसीक्यूज में तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर ये जो पार्ट होता है ना, जो ये यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स वाला किसी भी चैप्टर का, ये थियरी में वो चार मार्क के आंसर में एक सेंटेंस ऐड करके पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई दो यूजेस लिख दो, या फिर सेपरेट शॉर्ट आंसर राइट एनी टू यूजेस, एनी फोर यूजेस, है ना. ये बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. तो ये सेक्शन तो छोड़ना ही नहीं है, ये लर्न करके ही जाना है हमेशा, है ना. चलो, डाइक्लोरोमीथेन यानी CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, ये एक कंपाउंड है. डाइक्लोरोमीथेन स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, दो क्लोरीन है मीथेन में, यानी कि एक कार्बन है. क्या है ये? कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है विथ स्वीट अरोमा. इट इज यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स. एरोसॉल्स क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है एरोसॉल क्या होते हैं? एरोसॉल बेसिकली आप सिंपल भाषा में, लोकल लेमैन टर्म्स में बोलो तो स्प्रे करने वाली कोई भी चीज, जैसे आप अपने घर में हीट मार रहे हो, मच्छर भगाने के लिए हीट मार रहे हो, या आप परफ्यूम लगा रहे हो, है ना, या फिर वो स्प्रे कैंस होते हैं ना जो आप अपने दोस्तों के बर्थडे पे स्नो क्या उड़ाते हो आप लोग, आजकल की जनरेशन आप लोग करते हो ना, स्नो उड़ाते हो मुंह पे, है ना, वो सारे जो है वो एरोसॉल्स में काउंट होते हैं. मतलब बेसिकली जो भी लिक्विड फॉर्म में है बट उसको जब आप स्प्रे फॉर्म में यूज करते हो उस कैन को, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल. तो एरोसॉल में क्या यूज होता है? डाइक्लोरोमीथेन यूज होता है. ठीक है, इज इट गुड फॉर यू? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो क्या हो सकता है? ओवर एक्सपोजर टू डाइक्लोरोमीथेन कॉजेस डिजीनेस, मतलब चक्कर आना, फटीग. ऑल द गुजरातीज इन द हाउस, दिस इज नॉट फटीग यू, दिस इज फटीग. आई नो आई एम वेरी बैड, आई नो. बच्चे बोलेंगे सर गुजराती लोग का मजाक क्यों उड़ाते हो? नहीं, ऐसा नहीं, मैं सबका उड़ाता हूँ, कोई बात नहीं, है ना. फटीग, नॉजिया. नॉजिया इज द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, फीलिंग दैट यू गोइंग टू प्यूक. नॉजिया एंड वॉमिटिंग आर टू डिफरेंट थिंग. नॉजिया इज जस्ट फीलिंग लाइक यू आर गोइंग टू वॉमिट, राइट. हेडेक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नमनेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वीकनेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है, डिजीनेस फटीग नॉजिया समझ में आ गया. यस, हाईली डेंजरस इफ इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइस. आंख में गया तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, फिर भी तुम लोग क्या करते हो, दोस्त का बर्थडे होता है तो ऐसे उसके मुंह पे स्नो सिरे मार रहे होते हो, है ना, देखा है मैंने, जंगली बच्चे. चलो, तो ओवर एक्सपोजर की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ये एक सेपरेट एसएक्यू में आ सकता है. राइट द यूजेस एंड द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. ये सबको समझ में आया, आई होप सो. यस, कुछ है नहीं यूजेस में, कुछ ऐसा सिखाने जैसा है, बहुत फैक्चुअल. क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइक्लोरोमीथेन. क्लोरोफॉर्म किसका नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन. क्लोरोफॉर्म इज ट्राइक्लोरोमीथेन. It is a colorless liquid with a peculiar sweet smell. ठीक है, अगेन आप देखेंगे तो moderately sweet smell, peculiar sweet smell, generally sweet smell होता है. ठीक है, very important MCQ point. Chloroform से क्या बनता है? Chlorofluoromethane, a refrigerant known as R22. Chlorofluoromethane बनता है जिसका नाम है R22. इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट. वट डू यू नो दिस एज? आप उसको CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हो. ये बहुत पॉपुलर टर्म है, सबने स्कूल में पढ़ा होगा, एनवायरमेंट चैप्टर में. यस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली पोल्यूटेंट्स होते हैं फॉर योर ओजोन लेयर. यस, CFCs, आपका फ्रिज, AC, जो भी कूलेंट या कंप्रेसर वाले मशीन्स होते हैं ना, कूलिंग कंप्रेसर वाले मशीन्स, आपका फ्रिज और AC मेनली, उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो ये होती है CFCs.
ठीक है बच्चों, आपने सबने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा ना जरूर, अभी जब समर सीजन वगैरह आया था तो आप अपनी एसी की सर्विसिंग कराते हो, वो सर्विस वाला आके होता है, बोलता है कि आपके एसी की गैस खत्म हो गई है। हुआ आप लोग के साथ, सुना होगा सबने कभी ना कभी। तो एसी की गैस खत्म हो गई, रिफिल करनी पड़ेगी। कौन सी गैस भरता है वो? ये सीएफसी। द मोर यू एक्चुअली वर्क, द मोर योर एसी वर्क्स, द मोर दैट गैस मे बी रिलीज इन टू द एटमोसफियर, और इवन अगर लीकेज वगैरह हुआ तो ये गैस रिलीज होगी, तो ये क्या करेगी, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करेगी। क्या ये समझ में आया? एंड यू अंडरस्टैंडिंग द विशियस साइकिल? ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम ज़्यादा एसी चलाओगे, वापस सीएफसी रिलीज होगा, ऐसे करते करते ग्रेटा थनबर्ग नाराज हो जाएगी। ओके, जिनको ग्रेटा थनबर्ग नहीं मालूम जाके गूगल कर लेना। क्लोरोफॉर्म कॉजेस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शटडाउन कॉज कर, शटडाउन नहीं बट उसकी एक्टिविटी को कम कर सकता है। दैट इज व्हाई इट कॉजेस अनकॉन्शियसनेस, लोगों को बेहोश करने के काम आता है। तो यूज्ड, पहले यूज किया जाता था, अब तो कोई नहीं यूज करता। अर्लियर यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक क्या होता है बच्चों? एनेस्थेटिक का मतलब जो पेशेंट को बेहोश करने के लिए, सर्जरी के ऑपरेशन के पहले जो बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है उसको एनेस्थेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक। पुरानी 90s की पिक्चरों में ना वो दिखाते थे जब किडनैप करने जाते किसी को, देखा होगा आपने, वो एक ऐसे रुमाल लेते थे और उसमें एक लिक्विड डालते और ऐसे वो उसको बस ऐसे नाक पे रखते और वो बेहोश हो जाता, उठा के लेके भाग जाते, देखा है ना? वो क्लोरोफॉर्म था। ऐसा रियल में होता नहीं है, ट्राई मत करना, है ना, कि रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाला और तुरंत बेहोश हुआ, ऐसा होता नहीं है। बट यस, इट कॉजेज डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ जाएंगे, थोड़ा फटीग, डिजीनेस, हेडेक जरूर होता है। यस, सो इन इफ, अच्छा सवाल है ये, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक में प्लीज बच्चों कंफ्यूज मत होना। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर होता है, एनेस्थेटिक मतलब पूरा बेहोश करने के लिए। तो एनेस्थेटिक आप कब दोगे? तो आपको सर्जरी वगैरह करनी है या किडनैप करना है, किडनैप मत करना, ठीक है? तो सर्जरी करनी है तो एनेस्थेटिक दोगे। जैसे मैं जब डेंटल सर्जरी करता हूँ पेशेंट की, है ना, कोई एंडोडोंटिक सर्जरी कर रहे हैं हम लोग, रूट कनाल कर रहे हैं, सिस्ट वगैरह निकाल रहे हैं, तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब पार्शियल नम करते हैं जॉ को, है ना। और जो जनरल सर्जन होते हैं वो पूरा बेहोश करते हैं पेशेंट को, तो उसमें कीटामाइन, प्रोपोफॉल, एट्रोपीन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स यूज होते हैं आजकल। पहले पुराने जमाने में क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता था बट इट वॉज नॉट इफेक्टिव। इमेजिन ऑपरेशन के बीच में पेशेंट को होश आ गया, कितना पेन होगा उसको, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं था ना। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में चीजें। अगर क्लोरोफॉर्म को ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो इट अफेक्ट्स द लिवर। ओके, क्लोरोफॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, और बोर्ड्स में 1 मार्क जो एक सेंटेंस में आंसर आता है ना, उसके ऊपर भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड लाइट फॉर्म्स अ पॉइजनस कंपाउंड कॉल्ड फॉस्जीन, हेंस इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड एयर टाइट बॉटल। ना एयर के साथ रिएक्ट करने देना है, ना लाइट के साथ रिएक्ट करने देना है। अगर एयर या लाइट के साथ रिएक्ट किया तो एक पॉइजनस गैस बनाएगा वो, जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है बच्चों? फॉस्जीन। यस, फॉस्जीन इज बेसिकली कार्बोनिल क्लोराइड, नथिंग एल्स बट कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, COCl2 होता है फॉस्जीन, इट इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है बच्चों। ओके, देन यू हैव कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑब्वियसली ये तो बहुत इजी है, सबको मालूम है, CCl4, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, यस, इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन, वेरी यूजफुल सॉल्वेंट, यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, हाईली टॉक्सिक टू लिवर, वो तो ठीक है, कैन अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज फाइन, प्रोलॉन्ड एक्सपोजर विल कॉज डेथ, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मतलब कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का मतलब तो आई एम प्रीटी श्योर सब लोग को समझ में आता है,
जो गैस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है बच्चों, देन यू हैव आयोडो फॉर्म और ट्राई आयोडो मीथेन, इट इज येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल मतलब माइल्डली इरिटेटिंग स्मेल, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। Used as antiseptic and dressing. ये आप सबने यूज मतलब सबने एक्सपीरियंस किया है आयोडीन, है ना, वो ब्राउन कलर का वो जो लिक्विड लगाते थे, तुमको कभी जख्म वखम लग गया होगा बचपन में, गिरे होगे छोटे थे छोटे, तो वो जो आयोडीन का सोल्यूशन वो लगाते हैं। ठीक है, यूजली डार्क वायलेट कलर का होता है, जेंशन वायलेट भी बनता है आजकल तो, या फिर ब्राउनिश कलर का बीटाडीन वगैरह जिसमें पोविडॉन आयोडीन होता है। ठीक है, आयोडीन का वो सॉल्यूशन लगाते हैं ब्राउन कलर का और उसके ऊपर से आपको पट्टी बांध के देते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक इन ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है, सिंपल पर इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी आता है, बोर्ड्स में भी आता है, भाई नेम द हैलोजन डेरिवेटिव दैट इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक पर्पस, आंसर इज आयोडो फॉर्म, दैट इज ट्राई आयोडो मीथेन। क्लियर बात है, नेक्स्ट है फ्रियॉन्स। अच्छा, इसके आयोडो फॉर्म के ये पूरे नहीं लिखने, ये बकवास है, इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ एंटीसेप्टिक उसका यूज, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फ्रियॉन्स ये आपको पता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, सीएफसीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कॉमनली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, उसका एग्जांपल कौन सा था ऊपर दिया हुआ, R22, कौन सा एग्जांपल था, R22। फ्रियॉन्स की बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को फ्रियॉन 12 बोलते हैं, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को R22 बोलते हैं अभी बताया, ट्राइक्लोरोमीथेन को R11 बोलते हैं, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन को, तो ऐसे अलग अलग टाइप के फ्रियॉन्स हैं, हर एक की कैटेगरी अलग है, हर एक का कॉम्पोजिशन अलग, ठीक है, डिपेंडिंग उसमें कितने क्लोरीन और कितने फ्लोरीन है। क्या ये बात समझ में आई, दे आर यूज इन रेफ्रिजरेंट्स, फ्रिज एंड एयर कंडीशनिंग्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, बच्चों डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर, ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है मार्क करके रखेंगे और बाजू में क्या लिखेंगे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोलो हाँ कि ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एसएक्यू बहुत फ्रीक्वेंटली आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके थियरी एग्जाम में, दो मार्क के लिए, राइट अ नोट ऑन डीडीटी, एक तो ये आता है, या तो फिर राइट द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी। पहली बात, डीडीटी का मतलब क्या है, फुल फॉर्म देख लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नाम देखो फिर से रिपीट करो, क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। ठीक है, इट हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, इंसेक्टिसाइडल मतलब क्या है बच्चों, किल्स इंसेक्ट्स, है ना, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, आप सबने अगेन, ये दिस इज अ वेरी इंडियन, दिस व्हाट आई एम, द एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग यू आर वेरी टिपिकल इंडियन एग्जांपल्स, ऑल ऑफ अस हैव सीन दैट, अपने घर में ना, एटलीस्ट हम मिडिल क्लास लोग, आप में से कोई अमीर है तो, बहुत अमीर होगा तो पता नहीं, नहीं देखा होगा वो एक ना ऐसे चौक वाइट कलर का आता था किचन में, नॉर्मली उसके लाइन ड्रॉ करते थे चौक, कॉकरोच वगैरह ना आने के लिए, उसको क्रेजी लाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेजी लाइंस नाम से आता है, हम लोग उसको हिंदी में लक्ष्मण रेखा बोलते थे, सबने सुना होगा जरूर, या अपने पेरेंट्स को, अगर आपने आपकी जनरेशन ने नहीं सुना तो पेरेंट्स को जरूर पूछना कि लक्ष्मण रेखा क्या होती थी, है ना, वो एक चौक होता है बेसिकली, वो डीडीटी के पाउडर से बनाया जाता था, राइट, इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता था, जबकि बाकी कंट्रीज में ये बैंड है, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट यूज इट, स्पेशली डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट इसका बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया बीइंग इंडिया आपको अभी भी मिल जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है, अभी भी लोग यूज करते हैं इसको, सो इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जब ये डिस्कवर हुआ था तो इट वॉज अ गेम चेंजर। ठीक है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, 1948 में पहली बार इसके बारे में लोगों को थोड़ा ये पॉपुलर हुआ और लोगों को पता चला, और इसको जिसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर नहीं इन्वेंट किया था रादर डीडीटी को, वो बंदे को, पॉल म्यूलर नाम था उसका, उसको नोबेल प्राइज तक मिला था, सो यू कैन थिंक कि ये कितनी बड़ी डिस्कवरी थी, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट। उस टाइम पे क्योंकि फार्म्स में ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बच्चों
क्रॉप्स खराब हो जाते थे बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स. तो जब ये बंदे ने डीडीटी बनाया और दिया तो जनता एकदम दीवानी हो गई. पब्लिक बोली यार ये तो बेस्ट है, इससे तो फार्म में मतलब नुकसान ही नहीं होगा और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऐसे बढ़ जाएगा. तो फार्मर्स ने क्या किया, इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज, मतलब इसको अंधाधुंध यूज करना चालू किया. हर जगह ये डीडीटी डाल देते थे और इतना डीडीटी डालने लगे कि इसका ओवर एक्सपोजर हो गया प्लांट्स को. समझ रहा, इतना ज्यादा डालने लगे. और एक टाइम के बाद उनको बाद में जाके पता चला कि डीडीटी जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद ये डिग्रेड ब्रेकडाउन नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता. तो क्या होता था, प्लांट्स, इस प्लांट्स के ऊपर अगर इसने पाउडर फॉर्म में छिड़क दिया है या सॉइल में था जो अब्सॉर्ब हो गया, तो जब आप कंज्यूम कर रहे हो और आपके बॉडी में वो गया तो इट विल कॉज वेरी बैड हार्मफुल इफेक्ट्स, राइट, एंड वो ब्रेकडाउन भी नहीं होगा. सो इसीलिए इट बिकेम अ बिग मेजर इशू एंड इवेंचुअली ऑल द कंट्रीज बैंड द यूज ऑफ डीडीटी. यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे जो डू यू नो में दिया पढ़ना, मैंने आपको हिस्ट्री तो वैसे पूरी बता दी, पॉल म्यूलर एंड 1948 में नोबेल प्राइज वगैरह मिला था उनको, ऑल दैट, बट लेटर इट बिकेम अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई इट इज बैंड, है ना. अब इसके बारे में बोर्ड्स में क्या पूछते हैं, पहला पूछते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, ये क्लियर है सबको, इट किल्स इंसेक्ट सच एज हाउस फ्लाइज, मस्कीटोज एंड बॉडी लाइस, जुए जुए बॉडी लाइस जो बालों में होती है ना, जू. इट वॉज यूज फॉर क्योरिंग कंट्रोलिंग मलेरिया एंड टाइफस. पेशेंट को नहीं देते थे मलेरिया खाने के लिए, नहीं देते डीडीटी, मच्छर को मारने के लिए देते थे सो दैट मलेरिया कुड बी कंट्रोल्ड. समझ रहे हो, है ना, ये मत लिख के आ जाना एग्जाम में कि पेशेंट को दे दिया डीडीटी. थोड़ा बुद्धि लगा लेना बच्चों. एक्सपोजर टू डीडीटी विल कॉज वॉमिटिंग, ट्रेमर्स, शेकीनेस, है ना, ट्रेमर्स इज बेसिकली सेम ओनली, ट्रेमर्स एंड शेकीनेस इज वन एंड सेम ओनली, तो ठीक है जस्ट राइट वॉमिटिंग एंड ट्रेमर्स. डीडीटी इज अ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इट अक्यूमुलेट्स इन द इकोसिस्टम, मैंने बताया ना वो जगह में रह जाता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है. इट अक्यूमुलेट्स इन द फैटी टिश्यूज, ह्यूमन बींग्स में अक्यूमुलेट्स इन द फैटी टिश्यूज, एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको ये ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है. बड़ा इजी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, कैसा, ये देखो ये फिनाइल ग्रुप विद क्लोरीन, ये फिनाइल ग्रुप विद क्लोरीन, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, समझ में आया, दो क्लोरीन दो फिनाइल वाला, क्लियर, येस और नो. यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो इथेन कितने क्लोरीन, तीन. स्ट्रक्चर देखने में डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो. डाइक्लोरो डाइफिनाइल ये दो है कार्बन, यानी कि इथेन, एक दो तीन, यानी कि ट्राइक्लोरो, तो बना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, बोलो हाँ कि ना, ईजी, बहुत ईजी. लिख के बना के ये प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे खत्म हो गए हमारे यूजेस. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हैलो एरिन्स वाला पूरा पार्ट, और उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला और SN1 SN2, ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं, SN1 SN2 वाला पार्ट, दैट पार्ट विल फिनिश मोस्टली इन द नेक्स्ट सेशन, वी शुड बी एबल टू रैप अप दिस टॉपिक.